हम तो कहते हैं आशिक रसूल हैं और आपके लिए जान भी कुर्बान है और लब्बाई क्या रसूल अल्लाह, लेकिन जब बात आती है अमल की कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह और नमाज की तरफ, तो हम कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। लव इज ओबीडियंस। आपके वालिद साहब आपको कहते हैं कि बेटा गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, धूप बहुत तेज है, गाड़ी पार कर दो। आप कहते हैं वालिद साहब खुदा की कसम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अभी फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं थका हुआ हूँ। आपकी वालिदा साहब आपको कहती हैं कि बेटा मुझे पानी पिला दो, गर्मी है, प्यास लग रही है मुझे, मैं किचन में खड़ी हूँ। आप कहते हैं आई लव यू मॉम, आई लव यू लाइक क्रेजी, आपसे ज़्यादा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन अभी ना मेरा दिल नहीं चाह रहा पानी पिलाने का। मुझे अब ये बताएं कि प्यार सच्चा है या झूठा है, दोनों में प्यार है। हम तो कहते हैं आशिक रसूल हैं और आपके लिए जान भी कुर्बान है और लब्बाई क्या रसूल अल्लाह, सके नारे कितने मारते हैं हम लोग, लेकिन जब बात आती है अमल की कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह और नमाज की तरफ, हम कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। जब आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, हम कहते हैं नहीं मैं अभी इस टाइम गेम खेल रहा हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, इसको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। यस आई लव यू, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। क्या हमारा क्लेम सच्चा है या झूठा है, और क्या इस क्लेम की वैल्यू है क्या मत के दिन या नहीं। अल्लाह ताला हमें ओबीडियंस भी बढ़ा दे, बिकॉज हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन ट्रू लव इज़ ओबीडियंस। असल मोहब्बत है कि इंसान उसकी इताअत करे, उसकी बात को माने, ना कि सिर्फ यू नो टॉक इज़ चीप, दे से टॉक इज़ चीप, तो एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा मुसलमान बनाए कि हम तब तक एफर्ट और स्ट्रगल करते रहें जब तक हम अल्लाह के नबी से मुलाकात ना कर लें। हम दीन को इस तरह लेके चलें और दीन अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करें और दीन की ऐसी खिदमत करें कि जब अल्लाह के नबी से हौज़े कौसर में मुलाकात हो तो वो कहें कि वेल डन, जॉब वेल डन, कि तुमने मेरे दीन की खिदमत की, कमाल की, और वो देख के खुश हो। तो अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब करें और इस दुनिया की फितनों से बचा ले और इस दीन को जो नबी करीम छोड़ के गए और सहाबा छोड़ के गए और मेहनत करके गए उस पर, उसको अपनाने की तौफीक दे और सच्चा नेक दीनदार शख्स बनाए। और जो भी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, लेट इट बी मनी, लेट इट बी गर्ल्स, लेट इट बी एनीथिंग एल्स जो कि हमें दीन मैंने से रोकती हैं, उनको हमें पार करने की तौफीक दे और हमें अच्छा नेक सच्चा मुसलमान बनाए और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का साथ नसीब फरमाए और जन्नतों में उनका पड़ोस नसीब फरमाए और हमेशा हमेशा की जन्नतें उनके साथ रहने की तौफीक दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।